हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल C4L यानी क्रेजी फॉर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मैं हरीश स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल C4L यानी क्रेजी फॉर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे आपका जो दास ग्रेड फोर के एग्ज़ाम हुए हैं, जी हाँ, उनका रिजल्ट अभी आने वाले हैं और रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद में आपका मेडिकल वगैरह होकर ज्वाइनिंग हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मेरिट लिस्ट की ऑलरेडी वीडियो आई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट के बाद सीधा मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी यदि आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में आपको दास ग्रेड फोर का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सैलरी स्ट्रक्चर जो सेवन्थ पे कमीशन है उसमें दास ग्रेड फोर का सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सैलरी स्ट्रक्चर दोस्तों इसका पे लेवल रहेगा टू, लेवल रहेगा इसमें टू, और ग्रेड पे जो पहले 1900 था अब वो सेवन्थ पे कमीशन में आता है लेवल टू में। तो दोस्तों, इस वीडियो में सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले आपसे गुजारिश, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नाम उसका एग्ज़ाम विद अस। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्ज़ाम विद अस, उस पर हम डेली न्यूज़पेपर शेयर करते हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी हमारे पास टॉपिक होते हैं उनसे शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते शुरू। तो दोस्तों, ये जो सैलरी आती है इसकी लेवल टू में आती है सेवन्थ पे कमीशन में। सेवन्थ जो पे कमीशन था हमारा उसमें लेवल टू में आती है। तो उसमें देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलेगा यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ये दोस्तों बात करेंगे हम अक्टूबर 2019 के अकॉर्डिंग। इसमें आपकी बेसिक पे रहेगी दोस्तों, बेसिक पे रहेगी 1900। जी हाँ, ये स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी आपकी। इस पर डीए रहेगा दोस्तों 17%, जो कि फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है डीए 17% रहेगा। तो वो हो जाएगा 3383 रुपये, 1900 का 3383 रुपये। इस पर एचआरए मिलेगा दोस्तों, एचआरए मिलेगा दिल्ली में है तो ये 24% रहेगा, बेसिक का 24% होता है 4776। इसके बाद में मिलेगा दोस्तों टीए मिलता है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं इसको, 1350 रुपये मिलते हैं, 1350 रुपये। अब टीए के ऊपर डीए लगता रहता है दोस्तों, जैसे ही डीए बढ़ेगा वैसे टीए भी बढ़ेगा। डीए ऑन टीए तो टीए अभी डीए 17% है तो इसका 1350 का 17% निकालेंगे तो 230 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, इन सब को कैलकुलेट करके आपकी टोटल ग्रोस सैलरी बनेगी, ग्रोस रहेगी 29639 रुपये, ये आपकी ग्रोस रहेगी। और इसमें से आपको जो डिडक्शन रहेंगी, डिडक्शन भी हो। सो गाइज, तो एनपीएस कटेगा आपका 10% कटेगा, बेसिक प्लस डीए का 10%, तो 1900 प्लस आपका 3383 रुपये, इसका ये बनता है आपका 23283 रुपये। तो इसका 10% कटेगा दोस्तों, तो 2328 रुपये आपके इस 29639 से माइनस हो जाएंगे, माइनस 2328 प्लस 60 रुपये ईडब्ल्यूएस के। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी दोस्तों वो बनेगी 27251 रुपये। जी हाँ, काफ़ी अच्छी सैलरी है दोस्तों, ठीक ठाक सैलरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये स्टार्टिंग पे है आपकी, और आपकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता है और दो बार डीए बढ़ता है तो आपकी पे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो ये था दोस्तों आज के इस वीडियो में, आगे नेक्स्ट मैं बताऊंगा दोस्तों इसमें प्रमोशन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसमें मिलेंगे प्रमोशन, इसमें प्रमोशन कितने साल बाद होता है और इसमें आपको डिपार्टमेंट्स कौन से मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स
कौन-कौन से होते हैं दास ग्रेड फोर में। वीडियो में यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है और सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके पास में ही घंटी का आइकन है, बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसमें